अपनी बदहवाली पर आंसू रो रहे मैलानी के सुलभ शौचालय, किसी शौचालय में सफाई कर्मचारी भी नियुक्त नहीं। मैलानी लखीमपुर खीरी, जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत को लेकर काफी गंभीर है, स्वच्छता के अभियान को लेकर सरकार ने शहर से लेकर गांव तक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है। मैलानी नगर पंचायत ने 5 सुलभ शौचालय का निर्माण कराया, जिसमें 3 शौचालय बदहाल पड़े हैं। किसी शौचालय में भी मानक के अनुरूप कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रीय जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण सुलभ शौचालय साल से पहले ही बदहाल हो गए हैं। आने जाने वाले राहगीरों और महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार ने जगह जगह सुलभ शौचालय बनाया है, जिससे महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मैलानी के ईदगाह वार्ड के निवासियों ने बताया। नगर पंचायत द्वारा बनाया गया सरकारी शौचालय की हालत देखिए, लाखों की लागत से बने सुलभ शौचालय में सफाई करने कोई कर्मचारी भी नहीं आता। देखरेख ना होने की वजह से शौचालय के दरवाजे गायब हो गए हैं। करीब अनुमानित लागत 2,50,000 से 3,00,000 रुपए में एक शौचालय में लागत आई है। शौचालय में घटिया सामग्रियों से निर्माण किया गया है। शौचालय में एक साल से पहले ही दीवारों का पलस्तर छूटकर गिरने लगा है। नगर पंचायत के ठेकेदारों ने शौचालय में दरवाजे इतनी घटिया किस्म के लगाए हैं, दरवाजे 2-3 महीने में ही टूट गए। शौचालय का आया हुआ पैसा बंदर बांट हो गया है। शौचालय बदहाली के आंसू रो रहे हैं। इससे संबंधित आला अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। महीनों से सरकारी सुलभ शौचालय बिना दरवाजे के ही पड़ा हुआ है। वहीं जंगलात वार्ड में लाखों से बने शौचालय को अभी एक साल भी नहीं बीता, शौचालय के अंदर गंदगी भरी हुई है, नलका हत्था ही गायब है। शौचालय में लगे बाथरूम का सिंक भी टूटा पड़ा है। पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। लखीमपुर से जिला ब्यूरो लक्ष्मीकांत गुप्ता की रिपोर्ट।